सर ये डायग्राम के थ्रू आपने क्या बताया? ये बताया कि प्रोटॉन जो है वो यू दो यू और एक डी से मिलके बनता है, और न्यूट्रॉन जो है वो दो डी और एक यू से मिलके बनता है, और चार्ज फ्रैक्शन में भी होता है। ओके नाउ एक बात याद रखना, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके सेवन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व मतलब कॉन्स्टेंट, चार्ज कैनॉट क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट दे आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड पेयर्स, बट दे आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन पेयर, और डिस्ट्रॉय इन पेयर मतलब पेयर में उनको क्रिएट कर सकते हैं, पेयर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक सिंगल चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अ सिंगल चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, सिंगल चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट दे आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन पेयर, उनको पेयर में आप क्रिएट कर सकते हैं और पेयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग एग्जांपल, एग्जांपल दैट इज पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन मतलब चार्ज को पेयर में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे गामा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये होता है पॉजिट्रॉन, ये गामा रे फोटोन होता है, यू कैन से गामा रे फोटोन, फोटोन एनर्जी पैकेट होता है। तो देखो उनको क्या है कि आप सिंगल चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर आपको चार्ज को क्रिएट करना होगा तो पेयर में करना पड़ेगा, और डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा तो भी पेयर में करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट ना? ओके, पेयर एनिलेशन, एनिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय, अगर उनको डिस्ट्रॉय करना है तो भी आपको पेयर में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो भी आपको पेयर में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्रिएट भी पेयर में होंगे और डिस्ट्रॉय भी पेयर में होंगे, ठीक है? इसमें दो गामा रे फोटॉन बनते हैं, मतलब एनर्जी अलग अलग होगी, इट डजंट मैटर। इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखे आप? पॉजिट्रॉन बेटा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, Na+ और Cl मिलते हैं तो NaCl बन जाता है, तो प्लस माइनस गायब हो जाता है,
इसका मतलब चार्ज को क्रिएट करोगे तो भी पेयर में क्रिएट होंगे और उनको डिस्ट्रॉय करोगे तो भी पेयर में डिस्ट्रॉय। इज क्लियर? ये बात ध्यान रख। ओके नाउ पॉइंट नंबर 6 and 7 क्लियर टू एवरीवन? ओके यस। 8th one चार्ज कैन नॉट चेंज विद स्पीड। चार्ज कैन नॉट चेंज विद स्पीड। अगर स्पीड, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, चाहे कितनी भी जोर से मूव करे। हाँ, तो मतलब यू कैन से चार्ज इन मोशन इज इक्वल टू चार्ज एट रेस्ट, मतलब वो चेंज नहीं होता। ठीक है? ओके, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज अगर मूव करने लगेगा तो उसकी चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी, चार्ज की वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक है, जो रेस्ट पे रहेगी वही मोशन में रहेगी। 9th one काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। एक टर्म होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 7 लिखी है हमने। यस सर। हाँ ओके। नाउ ओके लिख लीजिए। अच्छा पॉइंट नंबर 7। Sir, yes. Can you explain pair annihilation again? Pair annihilation means pair destroyer. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और मतलब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज दोनों कंबाइन होते हैं और दो एनर्जी वाले फोटोन क्रिएट करते हैं। टू फोटॉन्स आर क्रिएटेड हियर, दीज आर फोटोन। फोटोन मीन्स एनर्जी पैकेट। टू फोटॉन्स आर क्रिएटेड, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, गायब हो जाते हैं और दोनों क्या करते हैं, दो फोटोन क्रिएट करते हैं, पॉजिट्रॉन। तो एनिहिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय। ठीक है, पेयर डिस्ट्रॉय मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय। तो पहला रिएक्शन क्या बता रहा है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन पेयर। दूसरा क्या बता रहा है, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर। Okay, thank you, sir. Okay, specific charge क्या होता है? Look here, specific charge is ratio of charge and mass. Charge and mass मतलब Q upon m. इसका unit क्या होगा? यूनिट होगा इसका कूलम पर केजी। ऐसा यूनिट होगा कूलम पर केजी, मतलब चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये आता है, तो क्या स्पेसिफिक चार्ज स्पीड के साथ चेंज होगा? यस, स्पेसिफिक चार्ज चेंजेस विद स्पीड। स्पेसिफिक चार्ज चेंजेस विद स्पीड, ये बदल जाता है। आप कहेंगे व्हाई? बिकॉज मास चेंजेस विद स्पीड। तो देखो, स्पीड के साथ चार्ज की वैल्यू तो नहीं बदलती, लेकिन मास बदल जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्पीड के साथ मास बदल जाता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका मतलब अगर ओके जस्ट क्यों बदल जाएगा?
सर इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है, इसका मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये क्यों बदल जाता है? स्पेसिफिक चार्ज कोई सिंबल नहीं रखा गया। अच्छा मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों। आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। व्हाट द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इंडिकेट्स अबाउट मास? तो उसने क्या बताया कि मास एंड मोशन इज इक्वल टू मास एट रेस्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड वी मतलब स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ मास। एम मतलब मास एट रेस्ट और एम मोशन मतलब मास इन मोशन, मास इन मोशन। तो उसने नया बात क्या बताया कि अगर सपोज कर लो इफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, सी के क्लोज जा रही है, देन व्हाट विल हैपन? देन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल इंक्रीज, देन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल डिक्रीज, देन मास इन मोशन विल इंक्रीज, मोशन विल इंक्रीज। इसका मतलब उसने क्या बताया कि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो लाइट की स्पीड के बिल्कुल क्लोज जा रही है, अगर कोई मास इतना जोर से मूव कर रहा हो, सपोज करो लाइट की स्पीड तक पहुंच रहा हो, तो क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ने लगता है, तो फिर क्या होता है डिनोमिनेटर पार्ट कम होने लगता है और मास इन मोशन बढ़ जाता है। क्योंकि मास जो है वो चेंज हो जाता है विद स्पीड, तो स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज हो जाता है विद स्पीड। आर यू गेटिंग व्हाई स्पेसिफिक चार्ज चेंजेस विद स्पीड? बिकॉज मास चेंजेस विद स्पीड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था कि कोई भी मास अगर मोशन में रहता है और अगर वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसका मास बदल जाएगा। मास इन मोशन इज मास और रेस्ट इक्वल नहीं रहते, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, मतलब लाइट की स्पीड के बिल्कुल क्लोज जा रही है, देन अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होता है मास इन मोशन बढ़ जाता है, तो स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा ना। फिर पॉइंट नंबर 9 समझ में आया आपको? यस सर। एक लास्ट पॉइंट, वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी। देखो तो हमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि ये सब यूज होगा ना मेरे को इसमें। टेंथ वन, ओके, नंबर वन, इफ चार्ज इज एट rest, it can produce only electric field. वो electric field produce करेगा। ये ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज rest पे है तो electric field produce कर। अच्छा, अगर कोई चार्ज constant velocity से move कर रहा है so it can produce produce electric field as well as magnetic field, dono produce karega, electric field and magnetic field both dono produce karta lekin agar wo accelerate kar raha ho to agar koi charge
एक्सेलरेट कर रहा हो, देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अरे दूसरा वाला वापिस बताओ ना। दूसरा वाला बता रहा हूँ, लेट्स सी। पहला वाला क्या है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वाला बताया कि अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल बी और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, लेकिन थर्ड केस में अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड रेडिएट एनर्जी ऑल्सो, वो एनर्जी ही रिलीज करेगा एंड रेडिएट एनर्जी, वो तीन काम करेगा। तो रेस्ट पे है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्लस एनर्जी रेडिएट करेगा, तीन काम करेगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, यानी कोई प्रॉपर्टी जो आपको नहीं समझ में आया इसमें, जो मैंने 10 प्रॉपर्टी आपको बताई चार्ज की, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। थोड़ा चेंज करते हैं टॉपिक। चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं, चार्जिंग के दे आर थ्री मेथड्स, मतलब किसी बॉडी में चार्ज कैसे ला सकते हैं, तो तीन मेथड होते हैं। नंबर वन तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रबिंग और फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन उससे भी चार्ज आ जाता है। नंबर टू कंडक्शन, नंबर थ्री इंडक्शन। रबिंग और फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। Come with the first one, rubbing or friction. Complete कर लीजिए, बताइएगा तो आगे proceed करें फिर हम।
Yes, both of you are done? Yes. Okay. Probing of friction तो आपने लो बहुत lower standard पढ़ा होगा छोटे standard में कि अगर आप suppose कर लीजिए दो हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ बच्चा ठीक है चलो अगर suppose कर लो दो body हैं और दोनों neutral body हैं they are neutral body तो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है एंड दे आर न्यूट्रल बॉडी आप इनको क्या करेंगे रब करेंगे तो व्हाट विल हैपन आप अगर रबिंग करेंगे तो व्हाट विल हैपन एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा लोअर स्टैंडर्ड पड़ा होगा ना एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते थे कभी सुना है कभी क्या आपने बॉयज एंड गर्ल्स ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते थे तो ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव हो जाता था और सिल्क रॉड नेगेटिव हो जाता था ऐसा क्यों हो जाता था क्योंकि क्या होता है सी यर तो होता क्या है दिस वन ए एंड बी तो क्या होता है जब रबिंग करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा तो एक्चुअली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जब दो बॉडी को रब करते हैं ना तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में चला जाता है इज इट क्लियर जो लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा जो गेन करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग सो आपने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा लोअर स्टैंडर्ड पे कि अगर कोई सिल्क क्लॉथ है ये सिल्क है और ये ग्लास का रॉड लेते हैं इट्स अ ग्लास रॉड हाँ दोनों को रब करते हैं लोअर स्टैंडर्ड पड़ा होगा दोनों को रब करते हैं जैसे तो सिल्क क्लॉथ जो आया था वो नेगेटिव हो जाता था और ग्लास रॉड जो था वो पॉजिटिव हो जाता था ठीक है अच्छा अच्छा कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा फिर इसमें दिमाग कौन लगाएगा न्यूमेरिकल आएगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता था सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव हो जाता अब हमको कैसे मालूम चलेगा कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा ये बात समझ में आया तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ हाँ सो यस हियर तो इसमें क्या होता है एक सीरीज होती है यस हियर मैं समझा रहा हूँ एक सीरीज होती है मैं इधर थोड़ा सा हाँ सीरीज क्या है देखो जरा ये सीरीज है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं हाँ ये जो है एक सीरीज है जस्ट सी हाँ ये सीरीज है ये सीरीज क्या कहती है कि तुम ये साइंटिस्ट ने सीरीज बनाई है कि सीरीज में कोई भी दो मेटल रब करोगे ना तो जो स्टार्टिंग में सपोज कर लो तुम ग्लास को सिल्क के साथ रब कर रहे हो तो ऊपर कौन आ रहा है ग्लास और नीचे कौन आ रहा है सिल्क तो जो सीरीज में पहले आता है वो पॉजिटिव होता बनता है और जो सीरीज में बाद में आएगा वो निगेटिव बनेगा आर यू गेटिंग एलिमेंट मतलब कहने का मतलब है व्हेन टू एलिमेंट्स आर रब व्हेन टू एलिमेंट्स आर रब देन एलिमेंट प्रेजेंट अर्लियर इन द सीरीज देन एलिमेंट प्रेजेंट अर्लियर इन द सीरीज एलिमेंट प्रेजेंट अर्लियर इन द सीरीज
earlier in series become positive and element present later in series become negative. An element present later in series becomes negative. ये बात ध्यान रखना, तो लर्न करने वाली बात नहीं है इसमें, आप याद नहीं करोगे बच्चा। आप ये ध्यान रखना कि आप कोई भी दो मेटल को रब करोगे तो जो सीरीज में पहले आता है वो पॉजिटिव बनेगा और जो बाद में आता है वो नेगेटिव बनेगा। ये बात क्लियर हुआ? ये स्टार्ट होता है यहां से सीरीज। ओके, तो ये सीरीज लर्न करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लर्न करना। नो नो, नेवर नेवर, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि सर ने बताया था कि जब भी दो मेटल रब करेंगे तो जो पहले जो पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो सीरीज में पहले आ रहा है और जो नेगेटिव होगा इसका मतलब सीरीज में बाद में आ रहा है। बस इस बात को याद रखना, मुझे ये स्टेटमेंट याद रखना, दिस वन, ये वाला स्टेटमेंट। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आया ना तो तुम ध्यान रखना जो पहले सीरीज में आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में आएगा वो नेगेटिव होगा। मैं करके बताऊंगा ना मेरे कर्स। सर सर, आपने जो एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ट दिया था वो भी लर्न करना है। कौन सा बच्चा, कौन सा रिपीट करी वेदश्री, मैं सुन नहीं पा। हाँ, वो लर्न करना, वो लर्न करना। ओके ओके, डन सर। ओके, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? एक मिनट, यस सर, प्लीज वेट। चलो एक काम करते हैं ना, कंडक्शन कल स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके सर। अच्छा, आपने कंप्लीट किया इसके अभी? बताइए, कंप्लीट किया? कल कंडक्शन कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, स्टार्ट कितने, 4 मिनट बाकी है, दोबारा फिर लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या बोलते हो अभी? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, रुको कंटिन्यू कर। अभी लेक्चर है क्या किसी का अभी आपका? इंग्लिश का है। ठीक है, जो कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्शन कल स्टार्ट करें। इतना पढ़ लेना तुम लोग, कल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेना, कंडक्शन अब स्टार्ट होगा।
थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.